Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT virtual classroom. Today we will continue our previous topic, that is speech, direct and indirect speech. जैसे आपको पता है स्पीच क्या होती है, what is the speech? Speech is used to communicate others. एक दूसरे से बात करने, तो टू टाइप्स की होती है स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जैसे हमने रूल करे थे कैसे हम टेंसेस को चेंज करते हैं, कैसे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो कोई चेंज नहीं होते, हमने कई रूल्स करे हैं. तो आज हम इंट्रोडक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, उनको जो है किस तरह से हम रूल फॉलो करते हैं, इफ और वेदर का हम यूज करते हैं. कल हमने एग्जाम्पल करे थे, तो आज जो है हम इम्पैरेटिव सेंटेंसेस करेंगे कि किस तरह से उनमें हम चेंजेस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है अगर हमारे जो है क्वेश्चन मार्क होता है क्वेश्चन सेंटेंस में, तो हम किस तरह से इफ और वेदर का यूज करते हैं, राइट. इसी तरह से जो है अगर जो है क्वेश्चन में, ठीक है, एक तो होता है आर, हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज करते हैं पहले, ठीक है. सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं. अगर हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो है व्हेन, वेयर, हाउ, इस टाइप के होते हैं तो कोई कंजेक्शन जो है हम उसमें यूज नहीं करते हैं, ठीक है. तो आज हम करेंगे कि किस तरह से जो है कंजेक्शन का यूज नहीं करेंगे और इफ और वेदर का भी यूज नहीं करेंगे. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कल करे थे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम इफ और वेदर का यूज करते हैं वो हमने कल करा था. तो आज हम करेंगे प्लस तो कल मैंने यहाँ पे रूल लिखा था, तो रूल में हम चेक कर लेते हैं क्या लिखा था. इफ रिपोर्टेड स्पीच, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इफ इट इज वाई, वैन, हाउ, वॉट, वेयर, हु, तो कंजेक्शन वर्ड को जो है हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है. कंजेक्शन वर्ड को हम यूज नहीं करते, ना कंजेक्शन वर्ड यूज करेंगे और ना हम क्या करेंगे इफ, क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं तो फिर और क्लियर हो जाएगा आपको. जैसे हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, ठीक है, हरी ने मेरे से कहा, क्या बोला, व्हाई डिड यू वीप टुडे, यस्टरडे, व्हाई डिड यू वीप यस्टरडे, ठीक है. अब आपको क्या करना है इसमें, क्या बोला यहां पे कि व्हाई हो फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड होता है why, when, how, what, where, who, तो वहां पे हम एक तो कंजेक्शन का यूज नहीं करेंगे, जैसे हम that का यूज करते हैं, don't use that, if का यूज नहीं करना है. जैसे अभी मैंने कहा हेल्पिंग वर्ड जो होते हैं अगर किसके आगे होते हैं, सब्जेक्ट से पहले होते हैं, तो इन दैट केस हम इफ यूज करते हैं या वेदर यूज करते हैं. बट यहाँ पे क्या है why, तो इसका क्या होगा, देखो पहले हम इसको कर लेते हैं चेंज, रवि, हरी, सॉरी, हरी आस्क्ड मी, सेट किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क मी, टू को हम रिमूव कर देंगे, दैट यूज नहीं करना है, व्हाई. अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, कल मैंने आपको रूल बताया था कि कैसे हम चेंज ऑफ द पर्सन करते हैं या प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है व्हाई डिड यू, अब यहाँ पे क्या है यू, तो यू किसके सेकंड पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. तो यहाँ पे क्या है वी, मी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, व्हाई आई हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है वीप की, वेप्ट, ठीक है. अब यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, अब ये हम पहले ऑलरेडी वी हैव, कल हम जो है यस्टरडे हमने कर लिया इसको, द प्रीवियस डे, और क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना है, ठीक
ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि सारे रूल आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। तो सेकंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच, ये पूरा क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज योर मी, तो मी के अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करेंगे? सेकंड पर्सन चेंज करेंगे, दैट इज यू। तो यू क्या हो जाएगा? आई, आई हैड वेप्ट द, और यहाँ पे यस्टरडे है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रीवियस डे। नाउ एक और वन मोर एग्जाम्पल, आई सेड टू राधे, आई सेड टू राधे, ठीक है। ये कॉमा होता है और ये इन्वर्टेड कॉमा, मतलब उल्टा लिखते हैं ना उल्टा, तो ये कॉमा, ये है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। आई सेड टू राधे, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट, अब जब तक आप लोग इसको घर में जाके रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोगों को, क्योंकि रूल तो आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे आई आस्क्ड राधे, आई आस्क्ड राधे, कहां पे हमें टोल्ड लगाना है, कहां हमें आस्क्ड लगाना है। तो ये जो है जितने हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पे हम क्या लगाते हैं? तो आस्क्ड सेट को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, क्लियर। तो आई आस्क राधे हाउ, अब यहाँ पे भी क्या, हाउ विल यू, यहाँ पे भी क्या है हमारा? सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? राधे के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हाउ ही, आई आस्क राधे हाउ विल का क्या हो जाएगा बच्चों? वुड, हाउ ही वुड एक्सप्लेन इट, क्लियर। तो वेरी सिंपल है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, पर्सन के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन को हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और थर्ड पर्सन ही शीट में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो है छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें जो है अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होते हैं तो किस तरह से हम उसमें इफ और वेदर लगा के यूज करते हैं, और अगर हमारे क्या होते हैं, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो है वाई वैन हाउ व्हाट वेयर होता है, तो वहां पे कंजेक्शन को और इफ को यूज नहीं करते हैं, और कैसे चेंजेस करते हैं ये अभी मैंने आपको क्लियर करा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सबको बताइए इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कमांड करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो उसको हम चेंज करते हैं कमांडेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, फॉरबिड, ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है हम चेंज करते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, कहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ हम एडवाइस कर रहे हैं, तो वहां पे अकॉर्डिंगली जो है हम उसको चेंज करेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके, जिनमें हम क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं। कमांड एंड रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है आपका? द
रूल वन दैट इज की रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब सेट चेंज टू रिपोर्टिंग वर्ब सेट चेंजेस टू कमांडेड आस्क्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड एडवाइज्ड फॉरबेड फॉरबेड ठीक है. तो इस टाइप से जो है हम कैसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. लेट्स सी द एग्जांपल्स. पहले इसका रूल सेकंड लिख लेते हैं. रूल सेकंड रूल टू अगर रिपोर्टेड स्पीच के आगे जो है टू लगाना है हमें ठीक है. रिपोर्टेड स्पीच के आगे हमें क्या लगाना है टू लगाना है. अगर इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के आगे हमें क्या लगाना है टू. इन इंपैरेटिव सेंटेंसेस used to before reported a speech. अब एग्जाम्पल देखते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल ठीक है. द टीचर सेट द टीचर said to the boys अब टीचर ने क्या बोला बच्चों से बोला मोस्टली क्लास में होता है ना स्टैंड अप क्या बोला स्टैंड अप ठीक है. कैसे चेंज करेंगे जैसे मैंने पहले बताया कि हम क्या करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सेट किसमें चेंज हो जाएगा कमांडेड आस्क्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड एज एडवाइस फॉरबिड. तो यहां पे क्या आएगा द टीचर ऑर्डर्ड. टीचर ने क्या करा ऑर्डर्ड करा किसको बॉयज को. तो यहां पे क्या लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज. अब मैंने क्या बोला आपको कि बिफोर रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टेड स्पीच ये है इससे पहले हम क्या यूज करेंगे टू. क्या यूज करेंगे टू ठीक है. इसके आगे क्या यूज करना है आपको टू का यूज करना है. यूज टू बिफोर रिपोर्टेड स्पीच. तो दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच. ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच. इसको पूरे को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या कहा है ठीक है. और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेट ये स्पीकर होता है और पूरा यहां से यहां तक क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच. तो छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड द बॉयज. यहां से टू रिमूव करना है ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप.
क्या हुआ, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप. दोनों रूल फॉलो कर लिए हमने अकॉर्डिंग टू द रूल्स. क्या क्या चेंजेस करें, इंस्टेड ऑफ सेट वी यूज, क्या यूज करा हमने, ऑर्डर्ड. ठीक है, सेकेंड रूल हमारा क्या था, यूज टू बिफोर रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच, और हमने क्या करा, टू को यूज करा. तो क्या बना सेंटेंस, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप. वेरी सिंपल, खाली आपको रूल देखना है, रूल पे ध्यान रखना है. एक बार आप याद करेंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू चेंज डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस. और डेफिनेटली जो है एक क्वेश्चन आता है आपका ग्रामर सेक्शन में. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, प्लीज गिव मी शर्ट टू वेयर. तो क्या बोला है इसमें, अब सर्वेंट रिक्वेस्टेड टू हिज मास्टर टू गिव हिम अ शर्ट टू वेयर. ऐसी वन मोर एग्जाम्पल, द सेंट सेड टू द पीपल बी ऑनेस्ट. अब जो है सेंट जो है साधु ने कहा, द सेंट टू द पीपल बी ऑनेस्ट. Be honest. ठीक है, अब साधु ने क्या बोला, be honest. तो अब कैसे चेंज करेंगे, अब पहले माइंड में लाओ कि क्या बताया था बच्चों, क्या अब से उसने क्या बोला है कि be honest. अब वो क्या कर रहा है, हमको एडवाइस दे रहा है. तो पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस be honest. इसका मतलब क्या हुआ, हमें एडवाइस दे रहा है कि ईमानदार हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, द सेंट, सॉरी यहाँ से लिख दिया मैंने, सेंट ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सेंट एडवाइज्ड एडवाइज्ड द पीपल, क्या एडवाइस करा लोगों को, एडवाइज द पीपल अब हमें यहां पे क्या लिखना है, बिफोर द इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट. तो दोनों रूल फॉलो हो गए, यहां पे हमने एडवाइस लिख दिया, द पीपल टू बी ऑनेस्ट. अगर आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, अगर जो है नेगेटिव सेंटेंस में पहले नॉट फिर टू लगाते, ठीक है, टू नॉट नहीं आएगा, नॉट टू, ठीक है, जैसे अभी हमने लगाया टू लगाया है, पहले लगाया है. अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हमें क्या यूज करना है, नॉट टू या फॉरबिड भी जो है उसमें यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, राइट. तो इसका रूल जो है, जैसे अभी मैं ओरली बता दिया यहाँ पे, जैसे टू लगाया तो टू के बाद नॉट नहीं आएगा, पहले नॉट आएगा देन टू और फिर रिपोर्टिंग वर्ब, जो भी वर्ब होगा उसको हम यूज करेंगे. ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है तो उससे पहले जो है हम क्या लगाएंगे, पहले नॉट लगाएंगे देन टू लगाएंगे और फिर वर्ब. तो पहले क्या लगाएंगे हम, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगाना है, नॉट, फिर लगाना है टू और फिर लगाना है हमें वर्ब. ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको इसको यूज करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉलो करना है.
ठीक है, पहले नॉट देन टू और देन वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड भी लिखते हैं, ठीक है, फॉरबिड या फॉरबिड पास्ट टेंस में। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। मदर सेड टू हर डॉटर, मदर सेड टू हर डॉटर। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो देखो क्या चेंजेस आएंगे, इसी के हिसाब से हमें चेंज करना है। वैसे ही करना है, बस टू से पहले हमें क्या लगाना है, नॉट, ठीक है। वैसे तो हम क्या करते हैं, डिड नॉट, डू नॉट, इस तरह से लिखते हैं, बट टू से पहले हमें क्या लगाना है, नॉट। माई मदर सेड टू हर डॉटर, डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले। ठीक है, क्या बोला कि डू नॉट प्ले, तो हम क्या लिखेंगे, मदर एडवाइज्ड हर डॉटर। अब क्या बोला हमने, नॉट टू देन वर्ब, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट टू प्ले। क्लियर, वेरी इजी। अगर रूल पता होंगे तो इट इज वेरी इजी, तो आप घर में जाके आप लोग रिवाइज करें। तो मदर ने क्या करा, अपने डॉटर को क्या दिया है, एडवाइस दी है। मदर एडवाइस किसको दी, हर डॉटर, सॉरी यहां पे डॉटर लिखा नहीं, हर डॉटर। टू हर डॉटर डू नॉट प्ले, तो मदर एडवाइज्ड हर डॉटर यही से लिखना है, हमने फॉर्मूले से लिखना है, नॉट टू प्ले, Not to play, ठीक है। जो हमने रूल में लिखा वही हमने फॉलो करा, not to play, to not play नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे इसमें पहले not लिखेंगे, then to और then verb, not to verb, ठीक है, play is a verb, तो not to play। या इसको अगर हमें forbid word use करना है तो हम क्या बोलेंगे, मदर फॉरबेड हर टू प्ले। फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना, तो इसको इन अदर वर्ड्स हाउ कैन यू राइट, मदर फॉरबेड हर डॉटर टू प्ले। Forbid means मना करना। तो वेरी सिंपल, ये सिंपल है, या ये दोनों वर्ड जो है आप यूज कर सकते हैं। एडवाइज लिखेंगे तो आपको यहाँ पे नॉट टू प्ले लिखना है, और अगर forbid लिखेंगे तो हर डॉटर टू प्ले, क्योंकि forbid मीन होता है मना करना। क्लियर। अगर रिपोर्टेड स्पीच, अब लेट करके भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो अगर इफ रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्ट में जो है लेट हो, ठीक है, क्या हो वर्ड, लेट, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, लेट होगा, फर्स्ट वर्ड क्या होगा, लेट। फर्स्ट वर्ड लेट, तो आपको क्या करना है उसमें, लेट हो तो, ठीक है, लेट करके होता है ना, लेट अस। अब लेट अस करके भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो अगर लेट अस है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड लेट है और उसके बाद क्या है, अस, तो व्हाट यू हैव टू डू, क्या आपको करना पड़ेगा, उसमें आएगा सजेस्टेड वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सजेस्टेड, सजेस्टेड
proposed और उसके बाद आपको लगाना है that, ठीक है। अब let's say the example, अब हम इसको में example देखते हैं, ठीक है। अब जैसे गोपाल said let us have a cup of tea, अब उसने क्या कहा है, प्रपोज करा है चाय पीते हैं, चलो ठीक है लेट अस, जरा हम जो है कप चाय पीते हैं। गोपाल सेड लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, अब हमें कैसे चेंज करना है, गोपाल प्रपोज्ड, ठीक है सजेस्ट तो नहीं करा, प्रपोज्ड दैट दे क्या आएगा यहाँ पे, शुड हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। या हरी सेड टू मोहन लेट अस गो देयर, तो हरी प्रपोज और लेट की जगह हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, शुड, ठीक है लेट की जगह क्या यूज करना है, शुड, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लेटस होगा तो सजेस्टेड प्रपोज दैट होगा, और इंस्टेड ऑफ लेट व्हाट यू हैव टू यूज दैट वर्ड यूज करना है, इंस्टेड ऑफ लेट क्या यूज करना है आपको, शुड, ठीक है लेट हट जाएगा, शुड आपको यूज करना है, सजेस्टेड और प्रपोज वर्ड यूज करना और दैट आपको यूज करना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको, हरी सेड टू मोहन, हरी सेड टू मोहन लेट अस गो देयर, अब देखो क्या क्या चीजें याद करनी है आपको, उसको देखें आप, एक तो आपको लेट हटाना है, ठीक है जहां पे लेटर्स होंगे और अस क्योंकि प्लूरल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दे, और हमें क्या यूज करना है, शुड, ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हरी प्रपोज टू मोहन दैट दे शुड गो देयर, They should go there. Hari proposed that they should go there. ठीक है तो क्या चेंज करना है आपको, एक तो प्रपोज्ड वर्ड लगाना है या सजेस्टेड लगाना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और इस तरह से जो है आपको चेंज करना है। वन मोर एग्जांपल तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो लेट अस की जगह आपको क्या यूज करना है, दे शुड, ठीक है हरी प्रपोज्ड मोहन, ठीक है तो रिमूव कर देते हैं आप इसे, दैट दे शुड गो देयर, क्लियर। तो कल जो है इसके और एग्जांपल करेंगे तो और ज्यादा आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें इसमें चेंजेस कर। तो बच्चों आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करें, तो रूल जो है मैंने आपको बताया ये घर में जाके आप रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपको रूल पता होंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और सेंटेंसेस करेंगे, और कल हम जो है कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रह गए हैं, तो कल हम जो है इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।